यूपी में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बटी। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकला, 80 की स्पीड में हादसा। यूपी के बिजनौर में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई। इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया, 8 डिब्बे पीछे छूट गए। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर थी। किसान एक्सप्रेस 13307 झारखंड के धनबाद से पंजाब के फिरोजपुर जा रही थी। हादसा मुरादाबाद के आगे सिहारा और धामपुर स्टेशन के बीच रविवार सुबह 4 बजे हुआ। गनीमत रही कि कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। चक्रामल गांव के पास SC3 और SC4 डिब्बे को जोड़ने वाली बोगी की कम्पलिंग टूटने की वजह से हादसा हुआ। गार्ड ने ड्राइवर और अफसरों को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर में रेलवे टीम मौके पर पहुंची। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डिब्बों को ट्रेन से जोड़ा गया। S4 बोगी को टेक्निकल समस्या के चलते रोक लिया गया है। ट्रेन में सवार लोगों ने बताया, हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। जब लोगों को पता चला कि डिब्बे अलग हो गए हैं, इसके बाद अफरा तफरी मच गई। यात्रियों और पुलिस अभ्यर्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गार्ड की सूचना पर पहुंचे अफसरों ने किसी तरह से यात्रियों को शांत कराया। वैन और बसों को बुलवाकर अभ्यर्थियों को भेजा।